उसके बाद अपना 4 तारीख को जो दुबई का जो प्रोग्राम बनने जा रहा है उसकी भी तैयारी जोर से स्टार्ट हो चुकी कंपनी के माध्यम से। उसके लिए भी बहुत जल्दी आपके बीच में मैं कुछ ना कुछ लेके आऊंगा, जो कंपनी आपको जिस हिसाब से अभी रजिस्ट्रेशन का जो लिंक आएगा उसके बाद हम आगे का जो भी चीजें हम अपडेट करेंगे। थैंक यू सर कि आपने विस्तृत जानकारी दी, और मुझे लगता है कि ये जानकारी जो है लोगों को मिली है, तो ये जानकारी का लोग फायदा उठाएंगे। कई सारे लोगों ने बोला कि सर का रेट ऐसा हो गया, ये हो गया। मैंने सीधा एक ही शब्द में बोला कि कंपनी जो है क्वाइन को आपको क्वाइन को बढ़ाने के लिए फॉर्म देती है, ना कि क्वाइन आपको कंपनी से लिया है। हमने एक दूसरे को क्वाइन सेल किया P2P, हमने जा करके एक्सचेंज से क्वाइन लिया। और मजे की बात यह है कि अभी अनसर्टन टाइम है, यहाँ पर लीडरों को अपनी लीडरशिप दिखा करके पेशेंस के साथ में काम करना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि उपाध्याय सर, आपसे मैं जब वर्धा में मिला था तो मैंने कहा था कि सर मैं एक ऑफिस से डाल रहा हूँ और ये उस ऑफिस का नजारा है सर। और यहाँ पर बुला करके, यहाँ पर 100 चेयर लगी हुई है सर, ये देखिए फर्स्ट क्लास, ये पूरा हुआ है। और अनसर्टेन टाइम में कई सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि यार अभी तो ऑफिस बंद करने का टाइम है। मैं बोला लीडर उस समय काम करता है जब कोई काम नहीं करता, और लीडर उस समय आराम करता है जब मार्केट पूरा बुलिश रहता है, लोग काम करते। तो अनसर्टेन टाइम में मतलब विपरीत जब काम होता है तभी लीडर को लीडरशिप दिखती है। तो पेशेंस के साथ में काम करना है, आगे बढ़ना है। और बस मैं इतना जानता हूँ, कई लोग मेरे को बोलते हैं यार खान साहब इसमें आप कब तक करोगे, तो मैं बोलता हूँ भाई साहब मेरा रिटायरमेंट यहीं से है, ये कंपनी मेरी लास्ट कंपनी है और यहीं से मेरा रिटायरमेंट है। और मजे की बात यह है कि ये कंपनी जिस रोज बंद हो जाएगी तो आप आ जाना मेरे पास अपना प्लान लेकर के। ऐसा मैं पिछले 2.5 साल से बोलते आ रहा हूँ, और वो 2.5 साल से कई लोग मुझे यही यही वेट करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि यार अब क्या होगा, अब इससे बेहतर। तो मैं इतना जानता हूं कि सिस्टम अगर सही है, भले ऊपर नीचे कम ज्यादा हर किसी की जिंदगी में होता है, गलतियां किससे नहीं हुई है, गलतियां हर किसी से हुई है, पर गलती को सुधार करके यदि अगर आप आगे बढ़ते हो तो बेस्ट आप ही होते हैं। तो सर मीटिंग को समापन करें या और नहीं किसी सर, को कुछ अगर आप। लोगों का हो सर, जो बाहर के ऊपर के वो सब लोगों को, 2-3 लोगों को लेते हैं ना जो भी, हाँ ताकि वो तो हाँ लोग अब आप, हाँ यहाँ आप देख पे लीजिए किसको किसको आप योगेश ठीक सर है। योगेश बोल के जो है उन्होंने पहले से शुरू से हैंडल करे, उनका क्या कहना है उसको कहाँ जानते जब। योगेश सर आपको अनम्यूट किया हुआ है, हाँ आपको वीडियो जो भी लोगों का अगर बात करना है तो उनका वीडियो स्टार्ट करना है, नहीं तो फिर उसका यहाँ पे कुछ काम नहीं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, या उसको अनम्यूट नहीं करेंगे। तो योगेश सर, योगेश नाम से क्वेश्चन ने हंड्रेस किया हुआ है, जो शुरू से पहले जैसे भी मीटिंग स्टार्ट हुआ है तब से कर रहे। योगेश आपको अनमोट किया हुआ है यहाँ से, आपको अगर अनमोट करना है तो बात कर सकते हैं। ये उनको समझ नहीं आ रहा है शायद, उसको जा सकते हैं। सर किसी और को लीजिए क्योंकि वो वीडियो में भी नहीं वही है, जो वही वीडियो में है सर उसी को चांस दीजिएगा। यस, तो मोहम्मद अमीर, हाँ मोहम्मद अमीर, मोहम्मद सर आपको अनम्यूट किया हुआ है, मोहम्मद मोहम्मद, हाँ हेलो सर, यस यस सर, हाउ आर यू हाँ ठीक है सर बोलिए। हाँ सर। मेरा नाम आमिर है, मैं अलीगढ़ से हूँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो हमारा कॉइन PLCU क्लासिक में कन्वर्ट किया गया है सर, इसको हम सेल भी नहीं कर पा रहे हैं, और जो हमारा PLCUX का जो हमारा प्लान चल रहा है उसकी जो हमारी मीटिंग आ रही है, नहीं हम उसको सेल कर पा रहे हैं, तो ये हमारा कब से ओपन हो सकता है? अभी रात का जो मीटिंग हुआ उसी में मैंने बताया, आने वाले 2-3 और दिन लगेंगे, सिर्फ उसमें सब अच्छा, चीजें सेल के लिए स्टार्टअप हो जाएगी, जिसके ऊपर वर्किंग चल रहा है इस वजह से। हमारे नीचे जो वर्कर्स हैं जिनको हमने प्लान दिए थे, तो वो एक्स की उनकी मीटिंग आ चुकी है, वो इस बात के प्रेशर करते हैं कि आप जो इसको भी नहीं ले रहे सर हो। 3 दिन के लिए खाली, 3 दिन ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ठीक ओके सर, है, टोटल के लिए 3 दिन ज्यादा से ज्यादा परेशानी है, उसके बाद सॉफ्ट हो जाएगा सब। लेकिन सर PLCU क्लासिक का रेट सिर्फ इतना ही रहेगा या ये कुछ ऊपर भी जाएगा? सर अभी जो मीटिंग स्टार्ट हुई उसी के ऊपर चल रही थी ना अभी तक, जो मैंने मैं सर बताया ना आपको। सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मैंने लेट ज्वाइन किया, मैं अभी 10-15 मिनट पहले ही ज्वाइन हुआ हूँ। ओके, तो अभी उसका मैंने बोला है का आने वाले 1 साल के बाद उसको $1 लाख से काउंट किया जाएगा, लेकिन तब तक उसका रेट ऊपर नीचे होता रहेगा, जो छोटा मोटा काम करेगा, जैसा एग्जाम्पल ये 500 डॉलर 800 डॉलर क्लासिक हाँ क्लासिक की बात करूँ मैं।
ओके सर, जो मदर करेंसी में आने वाले दिसंबर में स्वैप होने वाला है वापस, यानी क्लासिक हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्लासिक को मदर करेंसी में स्वैप किया जाएगा $1,00,000 से। $1,00,000 सर। लेकिन तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एक तो पेशेंस रखो, नहीं तो कन्वर्ट करो, नहीं तो सेल करो, इन्हीं ऑप्शन आपके पास। हम नहीं उसको स्वाइप कर दे, नहीं कन्वर्ट कर दे, हम उसको होल्ड करके रखते हैं, तो उसमें हमारा क्या बेनिफिट है? तो वही तो बताया मैंने आपको, एक साल के बाद जो आप स्वाइप करने को मौका मिलेगा आपको, जो $1,00,000 से रहेगा, $1,00,000 से उसको स्वाइप करने का मौका मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। अभी आपको $20,000 से स्वाइप करना है, $1,00,000 से स्वाइप करना, वो आपको तय करना है, इससे आपके ऊपर। तो सर इस वक्त अगर हम अभी स्वाइप करना नहीं चाहते तो हम होल्ड कर सकते हैं, एक साल के बाद में उसको स्वाइप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो हमारे अपने। वही बताया सर मैंने आपको अभी, जस्ट वही बताया जी जी, जो चीजें वही बताया मैंने आपको। लेकिन मैं आपको ये राय दूंगा, अगर आपको $1,00,000 से वेटिंग करने की जरूरत नहीं है, वो तो 100% होने वाला है, लेकिन अगर आप $20,000 में स्वैप करेंगे और उसका जो इनकम आएगा उसमें फिर वापस लेके रखेंगे तो क्या नुकसान है, दोनों काम बेनिफिट ले सकते हैं आप जी जी, उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। या आपको बाद में जो स्वैप जो आपने मिंटिंग के लिए रखा हुआ है वो हमेशा मिंटिंग तो आता ही रहेगा ना, तो नेक्स्ट मिंटिंग आएगा उसको होल्ड करो, अभी जो आपके पास है उसको अल्टीमा का होगा ना रेट, स्वाइप जो होगा हमारा वो अल्टीमा से तो होगा ना रेट, तो उसका अल्टीमा का होगा ना $1,00,000 सर, दोनों का भी होगा, वही बताया मैंने, दोनों का भी होगा, $1,00,000 PLC का भी स्वैपिंग करेगा और जो मदर करेंसी के हिसाब से उसको भी स्वैप करने वाली काम को खत्म किया जाएगा स्वाइप कर, यस यस 100% खत्म किया जाएगा। लेकिन ये अभी जो स्वैपिंग चल रहा है वो सिर्फ 1,00,000 कॉइन ही मार्केट में रखी हुई कंपनी जो मदर करेंसी में लेके जाने वाली, बाकी तब तक सब स्वैप होने वाले, तब तक सब स्वैपिंग होने वाले, ये चीज को समझना है, क्योंकि मदर करेंसी को डिमांड क्रिएट करना है और उसको अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तो सिर्फ 1,00,000 क्लासिक मार्केट में बचेंगे जो लास्ट में उसको स्वैप करेंगे कंपनी, ठीक है? ओके सर, यस नमस्कार और आप सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। सर मैं बुल्ढाणा मार से हूँ, आपकी फर्स्ट विजिट बुल्ढाणा में हुई थी 21 सितंबर में, उसके बाद में आपसे समझाने के बाद में मैं नवंबर में दुबई का अटेंड करने के बाद में एक अपने यहाँ बिजनेस में आया हूँ। तो मैं सर आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जो आमदनी लगाई थी उससे 20% कमाया है, यानी मैंने 2 CR कमाए आज तक, और इतना कमाने के बावजूद भी मेरे पास में अभी PLCX का 2.5 कॉइन का मिंटिंग मुझे आने वाला है, और जब से रेट कम हुआ है तब से मैंने बेचना बंद कर दिया है, और मेरे अभी मेरी रैंक है ग्रीन डायमंड, यानी ग्रीन डायमंड तो पहुंचने वाली है, अभी 2-4 दिन में मेरा ग्रीन डायमंड हो जाएगा सर, और मेरे टीम में अभी 5 लोग डायमंड है, लेकिन ज्यादा करके ऐसे पैनिक कोई हुआ नहीं सर। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, मेरे जो भी लोग है डायमंड बने, हर एक ने कम से कम 1.5 को CR के ऊपर ही पैसे कमाए, सब ने, और उसके नीचे भी, लेकिन हमने क्या किया, सबको पहले टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत किया, अपने बिजनेस में जो टेक्नोलॉजी में अवगत होता है सर वो कभी पैनिक नहीं होगा, लेकिन पूरी तरह से उसको टेक्नोलॉजी से अवगत होना जरूरी है, मेरा यही कहने का मतलब है कि लोग टेक्नोलॉजी अवगत पूरे होते नहीं है और ऐसे बाद में पैनिक होते हैं, यानी डायमंड सर के लोग जब पैनिक होते तो मुझे अच्छा लगता है सर, ये बात डायमंड लोगों के लिए शोभा नहीं देती, तो मेरा इतना ही कहना था, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी सर मेरी उम्र है 68 साल की, तो भी मैं ये बिजनेस में पूरी जिद्दत के साथ इसमें एक्टिव रहता हूँ, और पूरे टीम के साथ भी मैं एक्टिव रहता हूँ, पूरी टीम संपर्क में रहती है, जैसे आपके सर की मैं कभी भी किसका भी फोन आए तो उसको रात को भी उत्तर देता हूँ, मेरे को जो भी जमता है उस हिसाब से, और यानी कहने का मतलब हमारी टीम में कोई पैनिक नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी अवगत की है और आगे भी टेक्नोलॉजी अवगत करने के हिसाब से जैसे जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है हमको बताते रहते हैं। तो मेरे सवाल था खाली कि 100% कैशबैक के बारे में लोग मुझे पूछते हैं, तो मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बता सकता, अगर आप कुछ में थोड़ा सीमित मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कैशबैक का सर ने क्लियर बात किया है, लगभग आपको और 1-1.5 महीना लगने वाला है जो कंपनी उसको 100%, क्योंकि आप भी अगर कैशबैक करेंगे तो उसको रेफरल बोनस नहीं मिलेगा,
और एप्पल बोनस नहीं मिलेगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। उसके वजह से जो कंपनी बोनस वगैरह उसमें डिजाइन कर रही है उसको लगभग और 1-1.5 महीना लगने वाला है, उसके बाद जो चलने वाला है वो लाइव होने वाला है। थैंक यू सर, मुझे बस इतना कहना था। थैंक यू, थैंक यू। ओके, उसके बाद अभी डॉक्टर मुंडे सर आपको अनम्यूट किया हुआ है। डॉक्टर सर, सर नमस्ते, आवाज आ रही सर मेरी? आ रही सर, आ रही। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा सजेशन या क्वेश्चन कुछ नहीं है, मेरा आपसे एक बहुत नम्र निवेदन, नम्र रिक्वेस्ट है कि जब हम ये कम्युनिटी के लिए मीटिंग रखते हैं ना सर, थोड़ा सा एडवांस में अगर पता चले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो 650 लोग आए थे, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर किसी को बताए ना तो बहुत सारा परेशानी होता है। लोग अपना अपना कुछ काम का प्लानिंग किया होता है और अर्जेंटली अगर मीटिंग में आपको पता है, डॉक्टर साहब हमारा रात को ही तय हुआ था, जो आलि सर जो है आपने उन्होंने बताया था कि सर सबके लिए रखो, तो मैंने रात को ही बोला था सबके लिए मीटिंग रहेगी। नहीं सर, लेकिन मीटिंग का जो मैसेज आया उसमें ओनली डायमंड्स का मैसेज, इसलिए कोई जो रेगुलर मैसेज है वही उन्होंने पेस्ट करके लगाया था। उसके बाद मैंने उन्हें पूछा तो सर सबके लिए, तो मैंने उनको बोला सबके लिए, इसलिए उन्होंने वापस रिपीट मैसेज किया ऐसा बोला। लेकिन डायमंड के हिसाब से मीटिंग स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम डायमंड के साथ साथ सबको लेके आएंगे ऐसा बोल दिया था ना, तो इसलिए तो सब ग्रुप में वो मीटिंग का मैसेज गया ना, इसीलिए गया था पूरे ग्रुप में मैसेज। अगर आपको ये इतना जो लोग दिखते हैं ना, 1000 का भी मीटिंग फुल होता था अगर ये पहले पता रहता है ना। कोई बात नहीं सर, वो डेली होने वाला है, डेली मीटिंग है अपना, डेली काम बनेगा, कोई टेंशन नहीं, डेली रहेगा अपना मीटिंग। यस सर, थैंक यू। जो भी आज आए नहीं बोलना था अपने, बहुत अच्छा क्या हुआ, अपने अपने बहुत अच्छा सिंपल भाषा में सबको समझाए जो भी चीज चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा सिचुएशन है, लोगों को अटेंड करना है, सब लोगों को अटेंड करना है, सबको जानना है, जानना नहीं है ऐसा किसी को नहीं है, लेकिन ऑन द स्पॉट किसी को पता चलता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है मीटिंग में आने के लिए। सब लोगों को लेके आना है, सब लोगों को लेके आना है, कोई बात नहीं। जो भी लोग अगर जानना चाहते हैं, चलो अपने को 100 लोगों को भी बताना है और 200 लोगों को भी बताना है, कोई बात नहीं, तो सबको लेके आओ, कोई बात नहीं, ताकि सब लोग सबको ध्यान रखना है। तब मीटिंग का जो भी लिंक आएगा सबको देना है, आप सब हर दिन आपको नाइट को हम सब लोगों के साथ मिलेंगे, ताकि जानकारी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगा। ठीक, ओके। सर्वर फॉर्म, सर्वर फॉर्म आपको अनम्यूट किया हुआ है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, एक कंफ्यूजन है, थोड़ा आप क्लियर करें। अभी अल्टीमा का रेट 20,000 USDT है, राइट? यस। और अभी क्लासिक लगभग 400 के आसपास है, तो क्लासिक को सेव कर रहे हैं तो वो 20,000 की USDT से हमें वो 5 साल का मिल रहा है। लेकिन हाँ, अल्टीमा का रेट अगर बढ़ेगा तो क्या उसी हिसाब से मिलेगा? उसी हिसाब से मतलब स्वैपिंग जो कर रहे हैं हम अभी जिस रेट में, मान लिया अल्टीमा 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद 1,00,000 USDT होगा जो हमारा PLCU है, तो उसको उस हिसाब से नेक्स्ट ईयर में 5% जो मिलेगा तो वो 1,00,000 USDT के हिसाब से मिलेगा कैलकुलेशन करके। देखो सर, जो 5 साल में, अगले 5 साल में जो होने वाला है ना, जो अभी दिसंबर में होगा, वो अलग प्लेटफॉर्म रहेगा। जो अभी 5 साल चल रहा है वो अलग प्लेटफॉर्म रहेगा। जो नए प्लेटफॉर्म के साथ जाएंगे वहां पे $1,00,000 से काउंट किया जाएगा और वो 5 साल में डिवाइड किया जाएगा। तो सर आपने बोला था कि ट्रोन नेटवर्क पे जाएगा ये, तो क्लासिक को मदर करेंसी बनाने का है, तो उस टाइम 1,00,000 USDT जो होगा तो वो उस हिसाब से हम लोग स्वैप करेंगे तो उसका मिलेगा। वही बताया मैंने ना, वही बताया था, वो $1,00,000 से काउंट किया जाएगा वो टाइम पे। तो आपको 1 साल रुक के $1,00,000 पे जाना है या आज $20,000 पे जाना है, वो आपको तय करना है। ये भी बताया आपको, उसको $1,00,000 पे जाने के लिए अगर रुकने से बेहतर है इसको अभी $20,000 में कन्वर्ट करो, उसका जो इनकम आएगा उससे फिर वापस ये कॉइन लेके रखो, लेके रख सकते हैं ना। राइट, या मार्केट से नया पैसा लगा के भी लेके रख सकते हैं क्योंकि मार्केट डाउन है। सबसे बेटर आइडिया यह है कि अभी जो कॉइन का रेट है, अभी क्लासिक का कम है, तो अभी परचेज करके एक्सचेंज पे रख सकते हैं उसको। ये दिसंबर में बता रहा हूँ सर, एक्सचेंज पे रखने से बेहतर है कि अभी $20,000 आपको काउंट करके अगर यहाँ पे मिल रहा है तो उसको बेनिफिट लेना तब तक, क्योंकि ये $20,000 को दे रही है, लेकिन वो $20,000 के हिसाब से वो $25,000 भी हो सकता है, $40,000 भी हो सकता है, उससे भी आपको मल्टीप्लिकेशन मिलने वाला है ना। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, यस, थैंक यू।
यस सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, प्रतीक सर आपको अनम्यूट किया हुआ है। हेलो, यस सर। हाँ नमस्ते सर, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। सर मैंने PLCU जब 90,000 का रेट था तभी लिया हुआ था उसको। अभी जब PLCU X आ गए तो आपने बताया कि उसका रेट बढ़ेगा, कि क्या होगा PLCU X लेने के लिए PLCU लगेगा। तब मैंने ट्रेडिंग पे देखा कि सर PLCU बढ़ने के वजह PLCU जो पहली कम्युनिटी थी PLC वो बढ़ रही थी। मैंने तब भी मैंने सीनियर को बोला था कि ये क्या हो रहा है, तब मुझे क्लेरिफिकेशन नहीं मिला। अभी भी वही हो रहा है सर, PLCU का आपने क्लासिक कर दिया और क्लासिक का बोल रहे कि फिर से आप स्वाइप अप कर लो, और कितने कितने दिन तक मुझे और वेट करना पड़ेगा। मैंने एक भी विड्रॉल नहीं निकाला अभी तक सर। अभी स्वाइप करने के बाद आपको हर महीने तुरंत इनकम आना स्टार्ट हो जाता है ना उसमें से? नहीं आएगा, ठीक है सर, स्वाइप अप कर लूंगा तो मैंने जितना डाला उतना भी निकालेगा या वैसे ही रहेगा वो? देखो मार्केट में आप जितने भी कॉइन है ना उसमें आप उन्हें को ना कॉइन मिंट करके मिल रहा है ना उसका रेट बढ़ाने का कोई मौका दे रहा है, जो रहेगा मार्केट से मिलेगा वही मिलने वाला है। उसी तरह यहाँ पे भी आपको सर सबसे बड़ी बात हो गया है कि आपको 100% रिटर्न कितना मिलेगा वो तो आपको क्लियर हो रहा है 5 साल के लिए, अगर वहां पे जाएंगे तो नहीं तो फिर आपको वैसा वैसा रखने का है, तो मार्केट के हिसाब से आप जब चाहे तब उसको बेच सकते जो रेट बढ़ेगा उस हिसाब से। नहीं सर अभी एक दिक्कत है उसमें, PLCU कितने लगेंगे स्वाइप अप करने के लिए उतना मेरे पास क्वांटिटी नहीं है सर। वो अभी क्या हो रहा है सर, जिस समय मेरे साथ मेरे पास उतने जे उसने उतना ही उठा लिया मैंने मार्केट से जितने की कैपेसिटी थी। कितना उठाया आपने, कितना उठाया? मैं 80,000 के रेट से 11 की 2 ID फुल कर रखी है सर हमने, तो उसे पूरा नहीं हो सकता सर। वो नहीं हो सकता सर, स्वाइप अप करेंगे तो वो कितना निकलेगा उससे स्वाइप अप के लिए वो बर्निंग? अगर हमने ये चीज को समझना है सर, अगर हमने लगाए भी छोटा है तो मिलेगा भी छोटा है, तो टेंशन के लेने के बाद है, लेकिन मिलेगा ना? छोटे की बात नहीं है सर, छोटे की बात नहीं है, हमने वेट किया एक बार भी नहीं पूछा सर कितना बढ़ेगा कब बढ़ेगा। आज दिक्कत किस बात की आ रही है सर, क्लासिक हो गया, क्लासिक से फिर आप बोलते कि PLCU ले लो, जब PLCU बढ़ना चाहिए था पहली कम्युनिटी बढ़ रही थी। PLCU का क्लासिक हो गया तो इसका मतलब आपका वैल्यू कम हो गया, कॉइन कम हो गया? वैल्यू कम के नहीं सर, वो बात नहीं थी सर, जब कॉइन कम हो गया क्या बोले सर? सर कॉइन भी कम नहीं हुआ है ना आपका, जितना उतना ही कॉइन है, क्लासिक नाम लगाने से आपका ना वैल्यू कम हुआ है ना आपका कॉइन कम हुआ है। नहीं वही बात है सर। हेलो, आपको अगर ऐसा लग रहा है का वो स्वैप करने से मेरे को इनकम कम आएगा तो उसमें आप और थोड़ा ऐड करके भी लगा सकते हैं, जितना भी है आपके पास उसमें थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं ना। अगर आज वो टाइम पे $80,000 के लिए कॉइन लेने के लिए आपके पास एडजस्टमेंट किया हुआ है तो आप तो बहुत गुना कम पैसे में आपको ज्यादा कॉइन आने वाले हैं, उसको ऐड कर दो। जैसा बहुत सारे लोग अभी नया मार्केट से परचेस कर रहे हैं और उसमें ऐड करके लगा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि उतना ही लगाना जरूरी है। ठीक है ठीक है, यस यस। उसके बाद अभी अजीर अजीर कौन है? अजीर भी कौन है? ठीक है, चलो सर। यस सर, अभी सुन आपको अनम्यूट किया हुआ है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड आफ्टरनून, अभी जो टाइम है आपको सर आप इसी टाइम में हमको सपोर्ट कर रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है सर। बस एक छोटी सी गुजारिश है कि टीम में अब बस यही माइंड से नेगेटिविटी फैल रही है कि हमको ठीक टाइम में विड्रॉल नहीं मिल रहा है। अलेक्स सर ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हमें विड्रॉल लोग लगा रहे हैं पैसे अभी विड्रॉल लगाने के लिए? सर देखो वो एक टेक्निकल पार्ट है सर, विड्रॉल हमने को देना है एक कॉइन का जो देना है अपने को PLCU से, और मैंने कल की मीटिंग में बोला है आप लोगों को कल तक लगभग 60 कॉइन मार्केट में थे, लगभग 60 कॉइन मार्केट में थे जो PLCU मार्केट में आ चुके हैं, और विड्रॉल देना है लगभग 125+ कॉइन का, तो वो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा रुका हुआ है। जैसे भी ये स्वैपिंग बढ़ रहा है तो मार्केट में क्या होगा, PLCU आएगा तो विड्रॉल के लिए आसान हो जाएगा, तो उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बन रही है। खाली 2 दिन ज्यादा ज्यादा 3 दिन आपको सबको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं सर। सर अब इसी टाइम में आप हमको आगे सपोर्ट करें ना, आपसे गॉड फादर कोई नहीं है। मैं तो आपकी तहे दिल से मैं शुक्रिया कर रहा हूँ सर, इसी टाइम में आप हमको सपोर्ट करें। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ दूसरी टीम में, मगर मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम को बोल रहा हूँ कि जब तक हमारी टीम में
राजेंद्र उपाध्याय किस तरीके से लीडर है ना, हमको किसी बात का भय की बात नहीं है, हम ऐसे भी उठ जाएंगे, वैसे भी प्लेटिन डायमंड डबल प्लेटिन डायमंड कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उपाध्याय सर है फिर वो भी दुबई में है, और इससे बड़े बात क्या है। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। उसके बाद प्रकाश सर, आपको अनमिट किया हुआ है। प्रकाश, प्रकाश सर। एनबीसी प्रकाश। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मला एक तुम्हाला सांगायचं होतं, मगाशी तुम्ही अलेक्सरांबद्दल जे वस्तू बोललाय किंवा तुम्ही तुम्हाला समजण्यासारखे लोक करताय त्याबद्दल मी थोडस एक दोन लाईन तुम्हाला सांगणार आहे। म्हणजे हा डिसिप्लिन लाईन आहे, म्हणजे श्रीकृष्णाने जे सांगितलेले आहे की जे ते काय म्हणतात भगवान इन्सान से कहते हैं तू जो करता है जो तू चाहता है मगर होता है क्या जो मैं चाहता हूँ, फिर करना शुरू कर दे जो मैं चाहता हूँ फिर होगा जो तू चाहता है। म्हणजे सर ते तुम्ही जे म्हणता की अनेक लोकांना देण्याचा प्रयत्न करावा लागले आणि म्हणून त्यांच्यामध्ये आज तुम्ही पण जे करता जो संजीव थॉमस सर हे नॉलेज जे वाढतात जे कम्युनिटीसाठी जे करतात खूप अगदी म्हणजे खूप महत्वाची गोष्ट आहे त्याच्या गोष्टी करणं। सर मी पण असंच माझ्या आयुष्यात ठरवलं की मला वाटायचं मला द्यायचं आहे मला देवाच्या कार्यात ईश्वराच्या कार्यात मला सहभागी आहे तेव्हा मला जे मिळालं ते अजूनही मिळणार आहे। तेवढंच मला सर मगाच्या गोष्टीवर सांगायचं होतं। थँक्यू सर मला अनम्यूट केल्याबद्दल। सर थँक्यू सर, बहुत बढिया, आपने बहुत अच्छी बात की। सही में सब लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए क्योंकि सही में क्या जो भी लोग अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं जो भी रहेगा मार्केट में जो अपने अपने लीडर अपने लोगों को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भगवान से कम नहीं, इतना ही मैं बोलूंगा। क्योंकि जिस स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़ रहे जो भी लोग इसको समझ के आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में तरक्की करते हुए देखने को मिलने वाले। थैंक यू सर। उसके बाद डॉक्टर बी एन सर, डॉक्टर बी एन जो भी उनको अनमुट किया हुआ है। डॉक्टर बी एन मौर्य मुंबई से बोला हूँ। ओके सर, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट टाइम हम आपसे मिल रहे हैं सर। मेरा थोड़ा सा दो तीन डाउट्स था जो आपसे क्लियर करना था। ओके सर, पीएलसी अल्टीमा के बाद पीएलसी एक्स बना हुआ था जिसमें वादा किया गया था कि जितने भी पीएलसी अल्टीमा से एक्स लिया जाएगा वो बर्न हो जाएगा और वो तेजी से बर्न होगा, उसका फीस भी लिया जाएगा ट्रांसफर पे, तो ऑटोमेटिक राइट होता चला जाएगा। तो टेक्नोलॉजी जो भी बनती है क्योंकि एक्स की बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है जैसा कि अभी 5-6 साल से काम कर रहे हैं और देख रहे हैं तो इस बनती है तो रन किया जाता है, रन करने के बाद वो सक्सेसिव पॉइंट हायर लेवल पे रहती है, कहा जाए 99% को ऐसी रहती है मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। तो आपका कहना सही है, हम भी तो समझाएंगे, ऐसा नहीं है कुछ में। अब सपोज करो 80,000 के रेट से लोगों ने 11-11 लाख रुपए के फॉर्म लिए हुए हैं, किसी का एजुकेशन लोन था किसी का क्या था बच्चों की पढ़ाई थी, चलो 2-2.5 महीने में पैसे रिकवर हो जाए, सभी लीडर यही बोलते 2.5 महीने में पैसा रिकवर हो जाएगा और इसके बाद आपका टोटल प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लास्ट टाइम में मीटिंग में सर एलेक्स सर ने बोला कि यह कोई बैंक नहीं है, आपने ध्यान दिया होगा यह कोई बैंक नहीं है पैसे डालने के लिए, ईच एंड एवरी लीडर कहता है कि 5-5 करोड़ के फार्म ले लो, ये हमारी टेक्नोलॉजी है। तो 5 करोड़ का जब आपने फार्म बनाया है और दूसरे एंगल से कह रहे हैं हमारा बैंक भी नहीं है, टेक्नोलॉजी जाननी ही है तो 11,000 में भी तो टेक्नोलॉजी जानी जा सकती है, तो 11,000 की कैपेसिटी बनानी चाहिए, ये 5 करोड़ की बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर बात करें मोबाइल, आपने नोकिया का देखा होगा 1500 भी का भी मोबाइल है और 5 लाख का भी मोबाइल है मार्केट में, हाँ। जो चैन लेना चाहते उस हिसाब से ले सकते हैं, तो उसी हिसाब से कंपनी रखा है जो कैपेसिटी का ही है। 11 लाख में भी मेंटिंग की बात करेंगे ना, 11 लाख में मेंटिंग आदमी सीख सकता है, 5 करोड़ में भी सीख सकता है सर। 11 लाख में मेंटिंग होगा तो उसी हिसाब से मेंटिंग करके आएगा, और 5 करोड़ भी जाएगा तो उसी हिसाब से मेंटिंग करके आएगा ना। जी जी, 5 करोड़ की जो फार्म की कैपेसिटी थी आज 5 करोड़ में कई हजारों क्वाइन आ जाएंगे ना जो फार्म। कैसे आएंगे सर हजारों क्वाइन, आपको अगर शायद मालूम नहीं होगा हजारों क्वाइन का बात ही नहीं ना, 5 करोड़ में कितना क्वाइन आता है आप कैलकुलेशन करो, 100 क्वाइन से ज्यादा क्वाइन बनाने कंपनी की तरफ से, ऐसे क्यों बोलते हैं सर। अभी आज के तारीख में कैलकुलेशन करिए, 1 साल अभी होगा, आज अगर बात करेंगे तो 5.5 करोड़ में कितना कॉइन बनेगा सर, 10 कॉइन है, और 10 कॉइन का मेंटेन करेगा तो 6 गुना बनेगा, 60 कॉइन बनेगा, कैसे 1000 कॉइन आएगा।
आज कितना, अगर 5 करोड़ ही लिया जाए तो 6 कॉइन का कितना, 10 कॉइन हो सकते सर, 10 कॉइन आपको शायद पता नहीं होगा, आपने सही ढंग से देखा नहीं है, 10 कॉइन रख सकते हैं। अभी आज जो प्रमोशन चल रहा है उसके ऊपर की बात करेंगे, ठीक है, 10 कॉइन, और 10 कॉइन का अगर मिंट करेंगे 600% के हिसाब से 6 कॉइन एक्स्ट्रा यानी 6 गुना बनेगा, तो कितना बनेगा, 60 कॉइन बनेगा साल में। हाँ तो कह रहा 60 कॉइन बनेगा तो 500 रुपए के रेट से कितना पैसा रिकवरी होगा सर? तो 500 रुपए का बात ही नहीं कर सकते, अभी अभी अपन जो बात करें वो एक्सकॉइन की बात करें ना, तो उसमें 500 की बात ही नहीं ना जी। नहीं मेरे कहने को था, अब लीडर्स ने सभी ने बताया गया, जैसा सर ने अभी बोला लास्ट टाइम मीटिंग में, तो काफी होप खत्म हुआ कि अब भी उस एंगल से समझ सकते हैं सर, बातों को समझा जा सकता है इस चीजों को, हमको इग्नोर कर करके बहुत सारी चीजों को रद्द नहीं किया जा सकता जो लोगों के दिमाग में आ गया है कि उन्होंने कहा ये बैंक नहीं है टेक्नोलॉजी है, तो सेम 5 करोड़ में सर मैं आपको, तो हम आपको कंपनी क्या दे रही है, कॉइन थोड़ी दे रही है ना, टेक्नोलॉजी दे रही है ना सर, टेक्नोलॉजी है ना वही क्वाइन मिंट करने का मतलब वो टेक्नोलॉजी है ना जी। फिर अच्छा अब सर बताइए क्या रिकवरी, जैसे अभी क्लासिक ही रखेंगे, अभी आपने एक चीज और बताया लोगों को, मैं सुना कि 20,000 में भी आप स्वैप कर सकते हैं और 1 लाख जाने के बाद भी स्वैप करेंगे, तो अल्टीमा का रेट तो इतना ही रहेगा, 1 लाख में स्वैप करेंगे तो बहुत कम ऑलरेडी पैसे जनरेट हो गए, 20,000 में करेंगे तो वहां से 5 गुना हो जाएगा, वो न्यू वाला अल्टीमा 1 लाख में आएगा ना कि क्लासिक आएगा। वो बात है ना सर, वो पेशेंस की ये समझना है, अगर $1,00,000 से होगा तो एक रखना है ना फिर, हाँ वेटिंग भी करना है ना, तो अभी क्या करना है को, लोगों को क्लासिक रखना, अभी बात फिर उसके ऊपर आती है, जैसा अगर आपने बोला किसी को 5 गुना मिलेगा तो 5 गुना कर, अपना तो आज तक बात करना का बात कंपनी का रास्ता है नहीं, जैसा अगर आप मैं बोलूंगा तो मैं तो पहले से आपको बोला है क्या करना जरूरी है, मैं आपको मेरा राय दे रहा हूँ, इसका मतलब आपको सोचना है आपको क्या करना है, मैं तो आपको राय दे रहा हूँ, अगर इसको आप 20 जो स्वैपिंग करेंगे तो वहां से आप जो इनकम आएगा वहां से फिर आप वेटिंग भी करेंगे तो उसको वापस $1,00,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अलेक्स सर के माध्यम से कहना ये है कि आपको जो 20,000 डॉलर में अगर स्वैप करेंगे और उसको जो इनकम आएगा वो एक्स कॉइन में अगर क्वान्टिफाई करेंगे तो 5-6 गुना वहां भी बनाने का मौका दे रहे हैं साल में, तो ये चीज को आपको समझना है, तो आपको करना है आपको खर्चा करना है या मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर एक की जरूरत हर एक को पता है ना जी सर। लेकिन अब क्या है सर कि लोगों ने पूरी अपनी जमा पूंजियां लगा दी, पूरे जीवन के कितनी कमाई, आपको यही समझना है अगर पूरी पूंजी लगाई है ना तो इसीलिए तो सर ने इसको रिकवर करने का मौका दिया है, हमने जो पैसा दिया वो कंपनी के पास नहीं चला गया है ना, वो तो मार्केट में चला गया है, लेकिन फिर भी अलग सर आगे होके उनकी टेक्नोलॉजी को $60,000 ने कॉइन घेतला, 80,000 ने घेतला, मला एवढं सबको पता चलेगा थोड़ा। हाँ सर, लोग जो बोलते हैं ना कि 60,000 से कॉइन लिया, जो बढ़ाया आपने तो ही हमने बढ़ाया है बराबर है कॉइन का रेट, तो अलेक्स सर ने जैसा कॉइन लाया है और जैसा जैसा नीचे नीचे आता चला गया कॉइन, तब अलेक्स सर ने अपने फार्म का साइज के 40,000 के बराबर उन्होंने डबल करके दिया, जिसका एक कॉइन रखने का जगह था उसको डबल करके दिया, तो जैसा $80,000 का कॉइन था तब लोगों ने लिया है तो उसको दुगुना करके फंड की साइज दिया बराबर है, तो अगर मैंने 1,00,000 रुपए अगर लगाए, अगर मुझे एक साल में 5,00,000 रुपए बनता है उसका, तो अभी 20,000 के हिसाब से उसका 2.5 लाख में बन सकता है, ये लोगों को समझना चाहिए ना सर, वो समझना चाहिए बराबर है। हाँ वही मैं हम समझा रहे हैं ना लोगों को, वही आपका जो कॉइन आपने जितने भी अगर लिया हुआ है तो उसी हिसाब से यहाँ पे कंपनी $20,000 क्यों किया है, क्योंकि आपका एक कॉइन का 5 कॉइन बना है, तो 5 कॉइन का कैलकुलेशन बनाएंगे तो आपका एक कॉइन और 5 कॉइन 6 कॉइन 7 कॉइन किसी का 7 कॉइन भी बना एक साल में, तो वो हिसाब से अगर बात करेंगे तो आपको $1,00,000 से भी ज्यादा पैसा और काउंट करके ही कंपनी आपको पैसा दे रही है रिटर्न। अभी जैसा अलेक्स सर ने $40,000 के हिसाब से सभी लोगों के फंड को डबल करके दिया था बराबर है सर, अभी $20,000 बहुत चलो अल्टीमा का जो अपने सर के हाथ में वो सर्व करने का कोशिश कर रहे हैं, जैसा बीच में लोगों का फार्म को साइज बढ़ा के दिया, अभी कंपनी उसको $20,000 से काउंट करके उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए मौका दे रही है कि सब चीजें जितने कंपनी के हाथ में वो कर सकती है उससे ज्यादा नहीं, अभी प्रॉफिट बुक करने का टाइम है सर, लेकिन अभी बहुत बड़ा मौका है, लोगों को वो समझना चाहिए, अगर किसी ने मैं ये बोल रहा हूँ 80,000 से कॉइन अगर लिया हुआ है जो भी लिया होगा
आज थोड़ी सी ताकत और लगाते हैं और 400-500 डॉलर में कॉइन लेके अगर 20,000 डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो आपका कैलकुलेशन कितना बनता है वो समझना है। ओके कर सकते हैं, बहुत बड़ा नाम अल्टिमा के बहुत लोगों ने अभी फॉर्म भी नहीं भरे ना। जो समझ पाते सर जो उसमें रख रहे हैं, जो समझदार है, मैं इतना ही बोलूंगा, ज्यादा बार उनको बुरा लगेगा लेकिन लोग बोलेंगे फिर वापस पैसा ही लगाना है, पैसा हमारे लिए नहीं लगा रहे आपके लिए लगा रहे, आपको पैसा बनने वाला है, सिस्टम सर की आपको बता रही है क्या करना है। आप अगर आज अगर यहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे तो मार्केट में किधर ना किधर तो लगाने वाले, लेकिन वहाँ पे आप कोई आपकी गारंटी के साथ बोल सकते इतना पैसा बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 100% सिस्टम बता रही है कि आपको इतना हर महीना कैलकुलेट करके आने वाला है। और ये मौका अगर आप हाथ से छोड़ेंगे, अगर आज से क्या होता है लोगों को जब कॉइन का रेट बढ़ता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, जब डाउन होता है तो बुरा लगता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है अभी ये बुरे वक्त में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो चेंज करके देने वाला है, क्योंकि 500 डॉलर का आपको मल्टीप्लिकेशन कितना मिला है, 50 गुना 100 गुना अभी मल्टी मिला है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को 100 गुना अभी 100 गुना पैसा जो दिख रहा था उसको माइनस हुआ है वो दिख रहा है, लेकिन अभी छोटे से पैसे से बड़ा पैसा बनने का मौका आ रहा है वो नहीं दिख रहा है। अगर आज को मैंने जिस हिसाब से आपने मैंने 2-3 दिन पहले आपको सबको पीडीएफ फाइल के माध्यम से समझा दिया है, हम वो चीज हर दिन नहीं समझा सकते, वो अपने अपनी चीज को अपने अपने लोगों के माध्यम से आपको समझना है, क्योंकि लोग वही हिसाब से पकड़ के काम करते हैं। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि वो कैलकुलेशन के हिसाब से आप बात करेंगे तो आपको कितना बड़ा पैसा बनने का मौका, अभी मैंने उस दिन वाला है 35-40 लाख रुपए अगर कोई 100 कॉइन के लेकर आज इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 16-18-20 करोड़ रुपए या उससे कई गुना ज्यादा पैसा बनने का मौका यहाँ पे मिल रहा है, जो मार्केट में कहा भी नहीं है। उसी कैलकुलेशन से आप अगर बात करेंगे आज 10 कॉइन भी अगर मार्केट में लेके रखेंगे तो आज 10 कॉइन को कितना 4,000 मिल रहा है, 4,000 डॉलर यानी लगभग 3.5-4 लाख रुपए की बात करेंगे, 3.5-4 लाख रुपए में आपको कम से कम कितना करोड़ों रुपए बनाने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। इस चीज को आपको समझना है, ये छोटी छोटी चीजें ये बड़ी चीजें नहीं, अगर आपको नई 3.5-4 लाख रुपए अगर लगाने की ताकत है तो उससे भी 10 गुना पीछे आप आएंगे तो एक कॉइन की बात करेंगे। अगर किसी के पास एक कॉइन है तो अच्छी बात है, जिसके पास अगर एक कॉइन नहीं है तो उसको मार्केट से बाकी बचे हुआ कॉइन परचेस करने के लिए जितना भी पैसा लगेगा या पूरा कॉइन भी अगर उठाना है मार्केट में से लगभग 400 डॉलर लगेगा तो लगभग 35-40 हजार रुपए की बात है, लेकिन 35-40 हजार रुपए आपको कितना लाखों रुपए बनाने का मौका दे रहे हैं ये चीज को आपको समझना है। अब हमने कितने लगाया कितने बन रहा है ये चीज सोचने की बात नहीं है, जो लगाए उसको तो कंपनी उस हिसाब से करके देने वाली है, लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म आपको जानकारी दे रहा है, इस प्लेटफॉर्म को इस जुड़े आप तो आपको कम से कम जिंदगी में क्या हो सकता है इसकी चीजें यहाँ पे मिली। कभी कभी आप उन बच्चों को सिखाते तो उसको सिखाने के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है, फिर हम उसके अगर वो फेल हो जाता है या वो अगर जॉब में नहीं लगते तो उसको हम पैसा वापस नहीं मांगते, उसको हम नहीं बोलते आप लोग पैसा क्या खर्चा किया बर्बाद हो गए। तो इसी तरह ये प्लेटफॉर्म के साथ आप ये समझ सकते हैं कि इस सिस्टम के साथ जुड़े कम से कम आपको जानकारी मिली, नॉलेज मिला, और ये नॉलेज के माध्यम से आपने जो इन्वेस्ट किया वो भी मल्टीप्लाई करेगा, और वो अगर सही टाइम पे और एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे तो उसका और मल्टीप्लिकेशन करने का बहुत बड़ा मौका आपको मिल रहा है। इस चीज को लोग समझ नहीं पा रहे, इससे ज्यादा हम क्या समझा सकते। लोग आने वाले जो हमारी मीटिंग है कुछ समय के बाद बोलेंगे हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया, प्रॉफिट बुक करने का बहुत बड़ा मौका दिया ये सिस्टम ने कि लोगों से अभी एक्स कॉइन में जितना पैसा नहीं बना सकते, एक्स कॉइन में जितना बड़ा पैसा नहीं बना सकते उससे कई गुना ज्यादा पैसा भी स्वैपिंग करके आपको मिलने वाला है, भले आप नया कॉइन लेके करो या पुराना कॉइन लेके करो, लेकिन एक्स कॉइन से भी ज्यादा पैसा आपको जनरेट करने का मौका अपने स्वैपिंग में मिलने वाला है। इस चीज को समझना है, आपको लगता होगा कि एक्स कॉइन आपको महीने का 50% देने वाला है लेकिन वो कितना देगा साल में 5 गुना 6 गुना 7 गुना इससे ज्यादा नहीं देने वाला है, लेकिन ये आपको कितना गुना देने वाला है ये आप सोच नहीं सकते, क्योंकि 50 गुना तो अभी हो रहा है लाइव हो रहा है और उसको भी और मल्टीप्लाई करेगा तो और कितना मल्टीप्लाई करेगा, इस चीज को समझना है। इससे ज्यादा स्ट्रेटजी को जिसने फॉलो किया वो प्रॉफिट बुक करेगा सर। यस यस चेतन सर आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार सर। यस सर। सर चेतन बात कर रहा हूँ अकोला से। सर एक सवाल ऐसा था, मैं पीएलसी में कुछ मेरे दोस्त थे तो उनके जरिए ही मैं पहुंचा यहाँ पे, मैं कभी ध्यान देता नहीं ज्यादा इस पे। कुछ मकसद था कि कुछ पैसा डालेंगे कुछ पैसा बना लेंगे, कुछ मेरा एक प्रोजेक्ट था उसके ऊपर पैसा लगाना था मुझे। लेकिन जब मुझे वो पीएलसी का जब प्रोजेक्ट ये दिया गया प्लान तो उसके अंदर ऐसा बोला गया था कि जैसा अभी जो आप बोलते हो कि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है कॉइन पूरा रेट तो, लेकिन कॉइन वो जो समझा रहे थे तो ऐसा नहीं बोला था कि एकदम वो 1 लाख रुपए तक का मैं भाव देखा हूं, मैंने 80,000 में भी कॉइन बेचा नहीं है मेरा कभी।
अभी तक एक बार भी कॉइन बेचा नहीं, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि 400 या 500 रुपए में ये कॉइन आ जाएगा करके, ये कभी बताया नहीं गया। प्लस दूसरा सवाल ऐसा था कि अभी ठीक है आपने कॉइन का नाम चेंज कर दिया, कॉइन वही है, वो भी एक्सेप्टेड है कंपनी की स्ट्रेटेजी मुझे, लेकिन कॉइन को बेचने का जो 5 साल का कंपल्शन है ये रखने वाली कंपनी कौन होती है? पैसा तो मेरा है सर, कॉइन भी मेरा है। क्या बोले आप वापस एक बार? जो कॉइन को जो स्वैप करना है ना सर, हाँ अल्टीमा को क्लासिक के लिए स्वैप करना है ना, हाँ तो उसमें जो 5 साल में पूरा पैसा आएगा मुझे, हाँ ये 5 साल का टाइम पीरियड लगाने वाली कंपनी कौन होती है? मेरा मुझे फ्रीडम रहना चाहिए ना, मैं कॉइन कितना भी किसी भी समय बेच सकता। अभी भी बेच सकते सर आप, जो लाइव ट्रेडर्स है वो तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कंपलसरी अच्छा। नहीं है, जिसको जाना है वो जा सकता है ना, कंपलसरी नहीं है ना, आप आपका कॉइन लाइव ट्रेड से अभी भी कैश करके बाहर निकाल सकते हैं या उसको होल्ड करके पैसा बनने ना मेरे पास, तो उसको होल्ड कर सकते हैं, जब बढ़ेगा वो तो बेच सकते। तो जिस तरह सर आप अभी बोल रहे हो कि क्लासिक का रेट 20,000 या उससे नीचे नहीं जाएगा, तो सर क्लासिक का नहीं बात कर रहे सर, आपको पीएलसी की बात कर रहे हैं, हाँ जो $20,000 चल रहा है कॉइन, आप बोल, हाँ। आप जो बोलते हो कि जैसा 20,000 से नीचे इसका रेट कभी नहीं जाएगा, यस, तो इस तरह पीएलसीओ में क्यों नहीं गाइडेंस रहा सर हमको? सर वो गाइडेंस ऐसा सर, वो कॉइन जो बनाया ना कंपनी ओपन मार्केट में बनाया था, जो ओपन मार्केट के लिए छोड़ा था, जो कॉइन का रेट बढ़ा के भी लेके कंपनी लेके नहीं गई, लोग लेके गए उसको। अच्छा अगर सर ने बताया अच्छा। मेरे पास अगर कॉइन होती है या कंपनी के पास अगर कॉइन होती है तो उसको मैं इतना ऊपर जाने ही नहीं देता, क्योंकि कंपनी पास एक्स्ट्रा कॉइन डालने के लिए उसमें कॉइन थे ही नहीं ना, क्योंकि जो ओपन मार्केट में छोड़ा था, तो इसलिए कंपनी के पास कॉइन नहीं होने के कारण उसको ओपन मार्केट में वो $1,00,000 से भी ज्यादा गया, क्योंकि वो लोगों ने लेके गए और डाउन भी लोग लेके आए, कंपनी नहीं लेके आए। अच्छा अगर हर आदमी सेल के लिए जा रहा है, डर के मारे सेल के लिए जा रहा है, कोई होल्डिंग के लिए नहीं रख रहा है, उसके वजह से उसका मार्केट डाउन हुआ है ना, कंपनी की है, लेकिन कंपनी बचाने के लिए लोगों को रिकवर करने के लिए ये स्ट्रैटेजी लेके आ चुकी है, तो लोगों को इसको पैसा बना के देंगे, उसमें इसको जाना है वो बनाएगा, नहीं जाएगा तो उसके लिए दो ऑप्शन है, होल्ड करो बढ़ने के बाद बेचो, नहीं तो तुरंत बेचो, उसके लिए कोई कंपनी जबरदस्ती किया नहीं किसी को। सर इसमें आपका एक जैसा व्यक्तिगत मत चाहूंगा, मैं ज्यादा इसको जानता नहीं हूँ, बस किसी के ट्रस्ट के ऊपर, दोस्तों के ट्रस्ट के ऊपर मैंने लिया है, मैं ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में भी नहीं जानता हूँ सर, लेकिन एक ही बात आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें अभी अगर मुझे पैसा बनाना है तो क्या करना चाहिए? देखो सर मैं तो ये बोलूंगा आपको यहाँ पे स्वैप करेंगे तो एक घर की राय बता रहा हूँ, कंपनी की राय नहीं बता रहा हूँ, कंपनी साइड लेके बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आप स्वैप करेंगे तो सही में प्रॉफिट में रहेंगे, पहला पार्ट में एक्सपेक्टेड है सर फ्यूचर में इसका? आगे मैं आपको जैसे जैसे दिन जाएंगे आगे क्या करना है उसके लिए मैं आपको गाइडलाइन देती जाऊंगा, 10 साल का प्रोजेक्ट आपको 1 साल बताएंगे तो लोगों के दिमाग से बाहर जाएगा, ये चीज को समझना है, सब लोगों के दिमाग में नहीं बैठेगा, लेकिन आज के डेट में क्या करना चाहिए अगर जैसे आपने मेरे को पूछा तो मैं सबके लिए राय यही दूंगा, मैं खुद अगर मेरा भी खुद का कॉइन रहेगा तो मैं स्वैप कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, मैंने अभी 150+ कॉइन मेरा खुद का स्वैप कर चुका हूँ, लाइव में आपको दिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे हवा में बात करूँ, ये चीज समझना है। अभी मार्केट से जो भी अभी देख रहा हूँ मैं, लोग 50-50, 100-100 कॉइन मेरे को बोल रहे परचेस करके लेके दे रहे हैं, उन लोगों को जो मार्केट से परचेस करके लोग क्या करे लाइव रेट से स्वैप कर रहे, ये ध्यान रखना, तो स्वैपिंग के लिए क्या आपने जितना लगाया उसके ऊपर मत जाओ, आप मार्केट से लेके भी नया कॉइन परचेस आपकी ताकत के हिसाब से 2 कॉइन, 10 कॉइन, 50 कॉइन, 100 कॉइन लेके भी उसको स्वैप कर सकते हैं, और जो प्रॉफिट आपको मन में चाहिए वो प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करके ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये दिमाग में लगाया का 100 कॉइन लेने का है, 100 कॉइन का मतलब होता है लगभग 35 लाख रुपए, आज के डेट में उनको 3 लाख रुपए फिक्स महीने का आने वाला है, ये साल के लिए जाएगा वो 30 लाख का, 3 लाख का उनको 4 लाख 5 लाख भी महीने का आने वाले समय में लगेगा, सेकंड ईयर में उसका 2.5 गुना, यानी 3 लाख का 2.5 गुना कितना हुआ, 7-8 लाख रुपए कम से कम वो उसको आएगा, वो लाइव रेट के हिसाब से काउंट कर रहे हैं, लेकिन वो $20,000 अगर $21,000 बनेगा $25,000 बनेगा तो वो और मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन वो फिक्स आएगा, ये चीज को समझना है आपको, भले आपको 5 साल लग रहा है लेकिन 5 साल आपको फिक्स इनकम आएगा उसको भी सोचो, और वो कितना आने वाला है, आज $500 से बेचने से या $400 बेचने से अगर उसको आपको $1,00,000 करके मिल रहा है तो नुकसान क्या है? सर एक आखिरी सवाल था मेरा, यस फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड प्राइस है सर इसकी, हाईएस्ट से हाईएस्ट? सर अल्टीमा में आप रहेंगे तो वो कॉइन हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, क्लियर बताया कंपनी, जो भी चीज है उसको मदर करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा दिसंबर महीने में, जिसके ऊपर कंपनी क्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही है, ये ध्यान रखना, तो वो कॉइन वो अपना मदर कॉइन रहेगा जो पूरे वर्ल्ड को हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जैसे आज हिस्ट्री किया है पीएल टू लेके, आज बिटकॉइन का रेट चल रहा है $16,000, अपना रेट चल रहा है $20,000, एक हिस्ट्री क्रिएट की कंपनी, जैसा क्लासिक मार्केट में लेके आए थे जब शुरू में, यानी पीएलसीयू उसका रेट हिस्ट्री क्रिएट की कंपनी $1,17,000 का,
वो ऐसी एक हिस्ट्री कंपनी करके जाने वाली है, तो आने वाली जो हिस्ट्री है बहुत बड़ी रहने वाली कंपनी की, क्योंकि कंपनी में कल को ये भी बताया आप लोगों को तो कंपनी खुद का यूटी लेके आने वाली है आने वाले दिन में, खुद का यूटी यानी जो पूरा मार्केट जो चलता है यूटी के ऊपर चल रहा है, जो ट्रेडिंग के लिए सब के लिए सब जगह पे अपना यूटी यूटिलाइज हो रहा है, तो कंपनी खुद का यूटिलाइज। एक तो दो चीजें सर ने बोला है, अपनी ही स्ट्रेटेजी इतनी बड़ी बनने वाली है, एक तो सामने वाली जो यूटी है उसको अपने सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा, नहीं अगर वो अपने साथ जुड़ते हैं तो जब भी हमारे मदर करेंसी मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो हम हमारा खुद का यूटी मार्केट में लेके आने वाले, तो स्वस्थ वो कैसे लेके आएंगे उसकी स्ट्रेटेजी भी हम लोगों को कंपनी बता दिए, जो अंदर की बात है समझ लो, पर वो कैसा करने वाले यूटी खुद का कैसा मार्केट में लेके आने वाले, तो इसको समझना है कि कंपनी अगर इतनी बड़ी ताकत के साथ मार्केट में कर रही है तो जो भी लोग कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे उनका 100% अच्छा पैसा बनने वाला है। ओके सर। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। भरत दास सर आपको अनमूट किया हुआ है। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, ओडिशा से बोल रहा हूँ, भुवनेश्वर से। यस सर बोलिए। मेरा सवाल ये था, हम जो अभी जो स्वाइप कर रहे हैं जितना भी क्वांटिटी आ रहा है उसका रेट तो अभी 20,000 से हम सेल कर पाएंगे ना इस साल तक आखिर तक? हाँ कोई बात नहीं, 100%। जो दूसरे साल में जो मिंटिंग आएगा अभी जो स्वाइप कर रहे हैं तो उसका क्या सेल कर पाएंगे क्या रेट में? वो दो जो लाइव रेट रहेगा उस रेट से उसको मल्टीप्लाई मिलेगा सर, इतना ही बोलूंगा सर आज के डेट में, क्योंकि कंपनी की जो स्ट्रेटेजी बन रही है ना जिस हिसाब से कंपनी नाम बनाएगी मार्केट में ये साल में, ये बहुत बड़ा काम होने वाला सर इस चीज के साथ, इसलिए उसका जो मल्टीप्लिकेशन मिला है सबको अच्छा मिलेगा, सबको अच्छा मिलेगा। ये बोल रहा हूँ कि $20,000 में इस साल तक तो मिलेगा, उसके आगे भी वही मिलेगा, इसको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा शायद $25,000 जैसा डिमांड क्रिएट करेगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। वो तो ठीक है, $1,00,000 जो अगले साल में स्वाप होगा, पर अभी जो क्वांटिटी का कॉइन ऑलरेडी 5 साल तक रहेगा ना उसका रेट क्या मिलेगा वो दूसरे साल? वही मैं समझा रहा हूँ सर, आपको जो $20,000 चल रहा है ना वो मल्टीप्लाई भी करेगा ना रेट। हाँ। मल्टीप्लाई भी करेगा $22,000, $30,000, $40,000 क्वांटिफाई करेगा तो उस रेट से मिलेगा ना। वो तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे साल में जो अभी का क्वांटिटी का कॉइन ऑलरेडी 5 साल तक क्वांटिटी का कॉइन अभी मिंट होकर रहेगा चलाएगा ना, तो 5 साल तक मिलेगा ना सर, स्ट्रक्चर ही 5 साल का है ना। हाँ वो तो ठीक है, अभी से तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ना 5 साल तक जो साफ कर रहे हैं आपको, बार बार का 5 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ तो दूसरे साल में जो साफ करने का जो $1,00,000 का है तो अभी वो अलग पार्ट है सर, वो अलग पार्ट है, वो अलग ब्लॉकचेन है, अलग सिस्टम है, वो ये 5 साल अभी जो करे वो 5 साल कंटिन्यू वही चलेगा, जो वो सिस्टम में जाएगा उसको अलग 5 साल अलग से बनेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। नाउ दिस वर्ल्ड सर आपको अनमूट किया हुआ है। गुड इवनिंग सर। यस सर। सर माय सेल्फ नवदीप देसवाल, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है सर, यदि मैं अपने पीएलसी सी को आज स्वाइप कर रहा हूँ तो क्या जो $20,000 मुझे आज दिखाई दे रहा है अगले 5 साल तक यही मिलेगा, यही डाउन भी आ सकता है या अब भी जा सकता है? सर वो कॉइन मल्टीप्लिकेशन को मिलेगा आपको $22,000, $25,000 इसी हिसाब से वो धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका डिमांड उस हिसाब से क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि वो ओपन मार्केट में जो कंपनी कॉइन छोड़ रही है वो धीरे धीरे छोड़ रही है, क्योंकि जो कॉइन एक साथ नहीं मार्केट में आ रहा है, जो सिस्टम से आएगा जो स्लो कंपनी उसको कंट्रोल करके आगे लेके आएगी। डिमांड अल्टीमा क्या है सर, ने ओपन मार्केट में छोड़ दिया था और वो इसीलिए लोगों के पास, अभी देखो ये जो पीएलसी जो है वो मिंट नहीं होने वाला है, यानी लोगों के पास जो कॉइन जाएगा ना वो कॉइन को बदले कॉइन मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है, यानी एक कॉइन का 2 कॉइन 10 कॉइन 5 कॉइन नहीं बनने वाला है, इसलिए उसको क्वांटिटी मार्केट में बढ़ेगा नहीं, और जो मार्केट में चल रहा है ना उसको कंपनी स्लो लेवल से लेके जाएंगे, इसकी वजह से उसको हमेशा मेंटेन करके आगे लेके जाएंगे। मतलब कि हमें $20,000 प्लस मिलेगा। यस यस सर। और सर ये अगर मैं दूसरे एक्सचेंज पे भी चेक करूं पीएलसी अल्टीमा का प्राइस तो भी हमें $20,000 ही मिलेगा या फिर सेम दिखेगा? सब जगह पे सेम दिखेगा, लेकिन आने वाले एक हफ्ते के बाद, आने वाले 1.5 हफ्ते में आपको सब जगह पे $20,000 दिखाई देगा, क्लासिक का सेम रेट दिखाई देगा सब जगह पे, दोनों कॉइन एक साथ काम करेगा मार्केट में। ठीक है
अल्टीमा वैलेट में पीएलसी क्लासिक सतीश सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, क्या नेटवर्क का भी होगा उनका? मनमोहन सिंह तब तक आपको लिए है, मनमोहन सिंह नमस्कार। नमस्कार यस सर, हमने अगस्त में दो फार्म दिया था पीएलसी का सर। ओके 55-55 वाला उसका सर अभी तक मतलब मेंटिंग का बेनिफिट नहीं कमा पाया सर। अगस्त में? हाँ अगस्त में लिए थे, 55 का दो फार्म लिए थे सर। ओके वो पैसा सर वैसे ही मेरा पूरा मतलब ब्लॉक हो गया, मतलब उससे एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ सर। इसीलिए तो अभी कंपनी अच्छा मौका दिया है ना आपने कुछ सॉल्व करने का, तो उसमें से आप जाके कर सकते हैं और उसमें मोटिवेशन ले सकते हैं। ये तो अभी पूरा मीटिंग में आपने समझा। यू के रेट से 8 लाख का सर है हमारे पास क्वाई। कौन सा? यू के रेट से क्लासिक 8 लाख का है सर, तो मल्टीप्लाई किया जाए तो हाफ क्वाई है सर। हाफ है या 8 है? हाफ हाफ 0.5। तो है तो उसको सेव कर दो ना, $10,000 अकाउंट हो जाएगा ना। अच्छा सर उसका कितना? $20,000 है तो उसका $10,000 हो जाएगा, ये बोलो मैं सर। अच्छा और सर ये एक्स का भी मतलब बिक्री बंद चला सर। सर ये सब पे सवाल जो आप लोग कर रहे हैं ना, आप शायद आपको मीटिंग में ध्यान नहीं आया, बोल सकते हैं इसके बारे में। अभी तक मैंने 3 बार बताया, एक्स कॉइन 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपको विड्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। राकेश सर वापस आए, शायद आवाज आ रहे सर आपको? बोले हाँ बोलिए। ओके सर, ब्लॉकचेन में चेंजेस नहीं होता है 100% है, लेकिन कंपनी ब्लॉकचेन के अंदर चेंज किया ही नहीं सर, नाम यानी ऊपर का खाली चेंज हुआ है ना, अंदर तो कॉइन है ही है। वैसा कोई आपका ब्लॉकचेन का अगर रिसीव एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, आपका सेंड एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, आपका वॉलेट चेंज नहीं हुआ है, आपका कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, खाली नाम कनेक्ट किया सर, बाकी कुछ नहीं। ये ऊपर से होता है, ऊपर की कुछ चीजें जैसे आप कोई भी चीज अगर बनाए तो ऊपर की चीज बात करें तो वो हो चुके, अंदर की नहीं। अंदर अगर चेंज करेंगे तो वो डायरेक्ट ब्लॉकचेन चेंज हो जाती है, तो हमारी ब्लॉकचेन तो वही है। यस सर आ रहा है आवाज राकेश सर? ठीक है सर, नहीं वो सब कुछ चेंजेस नहीं, हाँ इसीलिए तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए तो कंपनी वहां से कम कर देती थी, गाय के लिए सभी के लिए जरूरी थी, वही कॉइन सबका माइनस कर देती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं जमता था। यस सर, उसके बाद अभी डॉक्टर मासूम सर आपको। हाँ सर, मैं कर्नाटक से गुलबर्गा से हूँ। ओके सर, जस्ट पीएलसी स्टार्ट होता है सर, स्टार्टिंग में हाँ उस वक्त आपसे मेरे को डायरेक्ट बात हुई थी सर, राजेंद्र उपाध्याय सर आपसे डायरेक्ट बात हुई थी। अभी मैं इसमें नहीं ज्वाइन हुआ सर, अभी ज्वाइन होने का सोच रहा हूँ सर, तो कितने से कितना फॉर्म लेके ज्वाइन हुए तो बेहतर रहेगा मेरे लिए? सर वो आपकी ताकत है, उसके ऊपर नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि बड़े कंपनी तो यहाँ पे आई से आप पैसा भी नहीं लगाएंगे ना तो भी काम करना स्टार्ट कर सकते। अभी बताइए बच्चा बात आती है पैसे की, तो आपको जो लगाना चाहते हैं वो सबसे मोटिवेशन कर सकते, क्योंकि वहाँ पे स्टेबल के हिसाब से काम चल रहा है ना, एक कॉइन है ये स्टेबल करेंसी, अब जैसे लगाएंगे वैसे मिलेगा। सर इसका रेट जो फ्लक्चुएशन हो रहा, अभी तक मैं मीटिंग में जो सुना रेट फ्लक्चुएशन हो रहा, अगर
सेंट्रलाइज है बोले तो सर, पहली बात तो आपको ये समझना है कि आप अभी अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो ये जो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं वो अपने पुराने जो कंपनी का पार्ट है उसकी बात हो रही है, जो पुराने लोगों के लिए आपके लिए उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि आपको तो एक्स कॉइन से एंट्री कर रहे हैं तो एक्स कॉइन ये स्टेबल करेंसी। ओके ओके यस सर, थैंक यू सर। यस सर, अभी संदेश आउती सर, संदेश आउती आउटी सर। ये सतीश सर वापस आए शायद, उनको अनम्यूट करो तब तक। हाँ सर बोलिए सर, आपको थोड़ा सा अगर फ्री माइंड से अच्छी तरह से बैठ के बात करें तो और अच्छा आवाज आएगा। सतीश सर को बात नहीं सर, इधर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इधर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ऐसी बात कर रहा मैं, बहुत लॉस हो गए सर मैं, कैसा ये रिकवर कैसे करना मैं। तो अभी वैसी के ऊपर तो बात किया सर, अभी तक जो मीटिंग हुई आपने 3-4 दिन से लगातार जो मीटिंग चल रही तो उसको रिकवर कैसा करें उसी के ऊपर तो बात करते हैं हम कंटिन्यू। मेरा अमाउंट मेरा को आने तो प्रॉब्लम है, पूरा 15 लाख इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पीएलसी पीएलसी अल्टीमा पीएलसी एक्स, अभी विड्रॉल करने तो विड्रॉल भी नहीं आ रहा सर। विड्रॉल की बात आती है एक्स कॉइन के, तो मैंने 3 दिन में विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा सर, 3 दिन से। विड्रॉल की बात करें तो 3 दिन में विड्रॉल स्टार्ट हो गया। कब रुका है सर? अभी 5 दिन की बात आती है, उसके पहले तो कंट्रोल चल ही रहा था, उससे पहले तो विड्रॉल चल ही रहा था ना, ऐसा नहीं कि हमेशा स्टार्टअप वाले से विड्रॉल बंद है। 1000 डॉलर्स ने ले लिया 0.30 अभी तक। अभी क्या हुआ है मालूम है आपको, सब पीछे बात होने के बाद भी अभी आप वापस वही सवाल जवाब कर रहे हैं, हमें जो लगातार मीटिंग कर रहे हैं ना उसी के ऊपर हमारी बातें हो रही है, उसको क्या करना है कैसे करना है, अभी सब होने के बावजूद फिर वापस उसी के ऊपर आप सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब आपने मीटिंग सुना नहीं सही धर्म से। हमने किसने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, मैंने आपने तो 80,000 डॉलर की बात करें, मैं तो बोला 1,00,000 डॉलर में जिसने किया उसके लिए मैंने सलाह दिया है, उसके भी कैलकुलेशन दिया हुआ है ना, इसलिए वो ऐसा नहीं कि आपको नुकसान हुआ है या होने वाला है, वही अभी तक मीटिंग में हर टाइम वही समझा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी अगर और डाउट है ना तो मेरे को आप पर्सनल बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी लोगों का वही बात जो लोगों को समझ में आई है वही बात आपको फिर वापस बताने के लिए फिर वापस आपको 2 घंटा मीटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मेरा ठीक है। अभी मनोज सर आपको अनम्यूट किया हुआ है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, मंगलमय हो। यस मंगल, मैं चाह रहा था बहुत दिनों से बात करना, मैं टेक्नोलॉजी को सर समझ चुका हूँ, मुझे 2-3 प्रश्न है ये करना। अभी तक पीएलसी जो पहले पीएलसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है ये पता है और अपडेट भी हो रहा था, लोगों का जो भी क्वाइन आया था, जो एक क्यूआर कोड आया था जो कंपनी ने गिफ्ट के रूप में दिया था, कंपनी ने गिफ्ट के रूप में दिया था, जिसका भी क्वाइन था, जितनी भी टारगेट हुई थी इनको 3 साल में मिलेगा मिंट होके। आज बहुत सारे ऐसे देखे हैं फॉर्म में जो फ्रोजन में से वो क्वाइन दिख नहीं रहा, फ्रोजन में क्वाइन दिख नहीं रहा, और अचानक क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक जो भी क्वाइन डाला गया था, ऐसे हमारे पास 200-250 लोगों के कंप्लेन है, तो मेंटेनेंस चल रहा था, मैंने क्वेश्चन नहीं किया, जिसमें मैंने डाला अगर 200 क्वाइन, ट्रांजेक्शन में दिख रहा है 200 क्वाइन, लेकिन फ्रोजन में दिख नहीं रहा है, जीरो दिख रहा है। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन ये है, पीएलसी यू में लोगों का पैसा आ रहा था, अचानक कंपनी ने कोई मैसेज नहीं दिया, कुछ नहीं किया, उसको पीएलसी यू सी कर दिया, क्लासिक कर दिया। सर पैसा आ रहा था लेकिन वो पैसा लोग है ना नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसका रेट डाउन पे चला और $400 पे आके रुका है, उसके लिए रिकवर करने का, अभी आने वाले दिन में वो जीरो हो जाएगा तो फिर लोग और नुकसान हो जाएगा, तो उसके लिए लोगों को रिकवर करने के लिए नया टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी जोड़ दिया है, जो कि लोगों को पैसा मिलना चाहिए। इतने है कि अचानक पीएलसी यू जो $1000 पे था, नाम चेंज होने के बाद पीएलसी यू क्लासिक डाउन हो गया, पीएलसी यू मतलब बढ़ गया।
काम अगर वो नाम भी नहीं बनता ना तो भी वो माइनस पे चलने वाला था सर, क्योंकि वो कॉइन का नाम चेंज हुआ, इसका मतलब कॉइन चेंज नहीं हुआ है ना, लेकिन मार्केट में जो फ्लो आ रहा है उसकी वजह से उसका डाउन डाउन होता जा रहा है जो आप देख रहे हैं। लेकिन पीएलसी यू जिस समय $1,000 पे था, ठीक है मैं मानता हूँ, तो नाम चेंज होने के बाद सीधे 20,000 पे चला जा रहा है और क्लासिक उससे गिर जा रहा है, ये समझ में नहीं आया ये कैसे हो। सर ये जो 20,000 जो है ना वो नया करेंसी कंपनी मार्केट लेके आई है, जो नए प्लेटफॉर्म के साथ कंपनी उसको वर्किंग करके जो पुराने लोग है उनको रिकवर करने के लिए उसको डायरेक्ट $20,000 से लॉन्च किया गया है। ठीक है $20,000 से पीएलसीयू को लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है, मैं समझ गया उसका नाम, क्योंकि दो अलग कॉइन है, क्लासिक के अलग कॉइन है और पीएलसीयू जो नया है वो अलग कॉइन, दो अलग अलग कॉइन बनाएगा। ये जो 5 साल के लिए लेके आई पीएलसीयू को स्टेबल पूरा इसको किया गया कि किसी से ये मिंट नहीं होगी, बाकी जो भी एक्सचेंज मिंट हो रही है क्लासिक मिंट हो रही है ये पीएलसीयू को एक्सचेंज से लोग डायरेक्ट खरीदेंगे। ये जो बोल रहे पीएलसी क्लासिक से स्वेप, स्वेप क्या होता है मतलब समझ नहीं पा रहा है क्या होता है, मतलब हम पीएलसीयू का मतलब ये है कि आपका जो कॉइन है ना उसको कंपनी क्या कर रही है थोड़ा सा आपसे टाइम लेके उसको बना पैसा बना के देने का मौका दे रही है, ये चीज को समझना है, क्योंकि क्या होता है कॉइन को होल्ड कंपनी जैसा 5 रूल्स बता रहे थे सर वो लोग कोई भी फॉलो नहीं कर रहे और इसीलिए कंपनी उसको जबरदस्ती फॉलो करने के लिए वो 5 साल का प्रोग्राम बना हुआ है ताकि वहां से होल्डिंग के माध्यम से जो डिमांड क्रिएट करता जाएगा और वो आपको क्या करेगा थोड़ा थोड़ा करके कॉइन मार्केट में आएगा। जैसे अभी किसी के पास अगर 10 कॉइन है लेकिन वो होल्ड पे जा रहा है, किसी के पास एक कॉइन है वो होल्ड पे जा रहा है, वो 5 साल में डिवाइड करके आ रहा है, इसलिए मार्केट में कॉइन कम आएगा जिसके वजह से आप लोगों को पैसे जनरेट करने का मौका मिलेगा। ज्यादा होती है तो उसको क्या होता है डिमांड नहीं होता है ना, जब कम होती है तो डिमांड क्रिएट करेगा। इसका प्रोसेस क्या है कैसे कैसे मतलब उसको हम पीएलसीयू को परचेज करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं सर वो आपके आईडी का सर वो मैसेज आपको है ना मैं ग्रुप आपको पर्सनल में डालूंगा चाहे तो ग्रुप में आपने नहीं देखा होगा तो उससे आप कैसे करके क्योंकि आप अभी बताने के लिए फिर वापस उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ओके कोई दिक्कत नहीं है। और ये पीएलसी प्रो जो था उसमें मैंने होल्ड कराया था एक्सचेंज पे, आप प्रो दिख नहीं रहा है, कौन सा पीएलसी प्रो जो स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था हमने बहुत महंगा खरीदा था जिसके लिए देखो उसमें तो मैंने सबको बोला था पहले से ही कि उसको अभी हाथ को देखना ही नहीं है, अगर नहीं देखेंगे तो भी तकलीफ नहीं क्योंकि अपने को अभी तुरंत काम का नहीं है, मैं सबको पहले से बोला था अगर लिया भी है आपने तो वो काफी नहीं जाएगा, आप तो आप सपोर्ट में मेल करो वहां से आपको रिप्लाई आ जाएगा। एक्सचेंज में दिख नहीं रहा है, एक्सचेंज से हटा दीजिएगा, जिस दिन से क्लासिक हुआ उस दिन से प्रो खत्म हो गया। नहीं खत्म नहीं हुआ है वो आएगा सर से, वही भी बात हुई है वो गया नहीं है, उस साथ वापस अपने साथ आप सामने रहेगा। ये बताया जा रहा था बाइनांस पे लिस्टेड हो गया है और ये पीएलसीयू लिस्टेड हो गया तो ये लिस्टेड हुआ है नहीं हुआ है इसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें दिक्कत यह आ रही है वो अभी वो पहले बोले थे आपने ये कॉइन एमरे वाला कॉइन इसलिए लिस्टेड नहीं कर सकते, बाद में उन्होंने कहना ये आया ये मिंट हो रहा है तो मिंटिंग वाला कॉइन हम लिस्टेड नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल अब तो ये मिंटिंग खत्म हो गया, अब तो लिस्टेड हो जाएगी। कहाँ मिंटिंग खत्म हुआ सर? ना पीएलसीयू का पीएलसीयू तो खत्म हो गया मिंटिंग ना, कहाँ खत्म हुआ सर? अभी अभी और 1.5 साल प्लस चलेगा ना, जो अभी कॉइन लोग रख रहे हैं जो मिंटिंग कर रहे हैं। नमस्कार, पीएलसीयू को तो साइड कर दिया गया ना सर, पीएलसीयू क्लासिक क्लासिक जो है वो मान लीजिए क्लासिक जो है सर, लेकिन जो क्लासिक स्वैप किसको कर रहे हैं जो आपके हाथ में उसको कर रहे हैं जो, लेकिन वो मिंटिंग वाला थोड़ी बंद कर रहे हैं ना, आपका जो मिंटिंग आ रहा है किसी का 2 महीना बाकी किसी का 6 महीना बाकी वो तो आता ही रहेगा ना, कोई किसी के पास अभी फार्म है वो अभी और लोड करेगा तो वो और 12 महीने आएगा, 1.5 साल तक उसको मिंटिंग आता ही रहेगा ना, वो थोड़ी कंपनी खींच के लिए किसी के पास से। ठीक है मिंटिंग हो रहा था पीएलसीयू अरे वो रुका नहीं सकते, अभी किसी ने अगर फार्म लिया हुआ है तो उसको बंद करके कंपनी थोड़ी रुका सकती है ना उसको। नहीं ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसको नाम चेंज कर दिया पीएलसीयू को क्लासिक कर दिया, अब ये है कि पीएलसीयू को तो ठीक है मिंटिंग नहीं हो रही है, पीएलसीयू को अलग लॉन्च किया 20,000 से, तो पीएलसीयू क्या एक्सचेंज पे जा रही है बाइनांस पे? नहीं उसको टाइम लगेगा सर, पहले अभी ये मार्च तक जाएगा, पहला कॉइन मार्केट के जाएगा सर, उसको एक स्ट्रेटजी बनती है ना वो ऑटोमेटिक नहीं जाता है ना, जब उसका ट्रेड होगा वैल्यू बनेगा तब वो आगे जाएगा ना, डायरेक्ट नहीं जाएगा ना। नहीं नाम तो पीएलसीयू है,
पीएलसी वो नहीं बता रहे आप, जो अपना नाम है वो अलग कॉइन है सर। अभी ये जो नाम है उसका मतलब, लेकिन कॉइन तो नया बना ना, तो उसका स्ट्रेटेजी उसका वैल्यूम तो बनाना पड़ेगा ना। उसका वैल्यूम जब मार्केट में बनेगा, जो पहले कॉइन मार्केट में आएगा, उसके बाद उसका वैल्यूम के हिसाब से वो वहां पे जाएगा। बिल्कुल सही है, मेरा ये कहना है पीएलसी यू एक्सचेंज पे लोग देख रहे हैं ये $1,17,000 पे गया। लिसन टू मी सर, $1,17,000 पीएलसी यू गया। अब क्या हुआ, जो मिंट हो रहा था पीएलसी यू हो रहा था, लेकिन कंपनी पीएलसी यू का ही नाम कर दिया पीएलसी यू सी, ठीक है। लेकिन लोगों को दिमाग में जाने के लिए कंपनी ने सोचा कि इसको किसके लिए सर, बाहर के लोगों को ना, अपने के लोगों को तो सबको पता है ना, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता है अंदर की सब चीजें क्या क्या हो रही है, मीटिंग कैसा हो रहा है, किसका हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, सब चीजें। तो कहने का मतलब अब पीएलसी यू को पीएलसी यू सी कर दिया गया, तो अब पीएलसी यू को ही हम लोग क्लासिक समझ रहे हैं, क्लासिक हो गया। लेकिन पीएलसी यू जो है फिर से लॉन्च हुआ है क्या? हाँ, नया लॉन्च किया है वो। अगर लॉन्च हुआ ठीक है, नाम तो एक ही है, बैनर तो एक ही है, ठीक है। तो कंपनी ने इसको क्या पीएलसी यू को इसको बाइनांस पे लाएगा? सर मैं वही समझाया, वो स्टेप बाय स्टेप सब चीजें होगी। पहले उसको कॉइन मार्केट पे लाना पड़ेगा, पहले तो सब एक्सचेंज पे लाना पड़ेगा, जो आने वाले दो हफ्ते तक सब एक्सचेंज पे दिखेगा आपको, सब जगह पे $20,000 के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले क्या पीएलसी यू नहीं आया था मार्केट क्रिप्टो कैप पे? ये पहले नहीं आ पाया था पीएलसी यू जो लॉन्च हुआ, ये नाम तो पहले लॉन्च हो चुका है। और फिर सर वो नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, सब एक्सचेंज पे वो ट्रेडिंग करने के लिए वो आएगा अभी, वो नहीं, अलग दाने आपको दो कॉइन दिखेगा, पर क्लासिक अलग दिखेगा, पीएलसी अलग दिखेगा। ठीक ठीक है, लेकिन पीएलसी यू पहले लॉन्च कर चुका है ना, 14 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया था। सर आप एक काम करो, मेरे को पर्सनल में मिलो, अभी आप ना बातें करते करते लोगों का टाइम बर्बाद करें, क्योंकि आपने पास 300-400 लोग है। सवाल आपका है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में आ रहेगा, दो कॉइन अलग है। आपको सवाल में आपको अलग से मेरे को पर्सनल कॉल करो, आपको दो घंटे बात करूंगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर, आपके बातें बार बार घुमा के बात कर रहे तो अच्छा नहीं है। घुमा के नहीं बात करें, पीएलसी तो ऑलरेडी हो चुका है लिस्टेड, फिर उसको सेकंड लिस्टेड कैसे? मैं आपको पर्सनल बात करूंगा, उसको समझ दूंगा आपको जो भी चीज है, बाकी लोगों को वो सवाल नहीं है, आपका सवाल है खाली सिर्फ। ठीक है नमस्कार सर। सर पीएलसी सी शॉपिंग केल्यानंतर आपल्याला 20,000 रेट फिक्स राहणार का? सर सांगित हा प्रश्न मी क्लियर केला सर मगाशी, तुमचं लक्ष नव्हतं का? नाही लक्ष होत, जवाब और सवाल जो चाहिए ना आपको, तो सर एक बार अगर 10 बार वो चीज बोलते है तो फिर आप क्या मजाक के लिए इधर बात करते, कभी समझ में ना आता कभी कभी। सर आप कहा थे अभी? 3 बार यही चीज के ऊपर, यही मीटिंग में 3 बार बात हुई है, आप कहा थे? सर हाच रेट आपल्याला समजा 40,000 रेटला झाला, पण त्या रेटनच आपलं शॉपिंग होणार का? नाही तसं मला म्हणायचं नव्हतं सर, असं होत आता 20,000 न आपण शॉप केलो आणि नवीन रेट आपला 40,000 झाला समजा, आपण त्या ना पेमेंट करू शकतो का? किसको पेमेंट करणार आहे? आपण पेमेंट काढताना पीएलसी जो लाइव, सर लाइव रेट का मतलब क्या होता है? लाइव रेट का मतलब क्या होता है? जो रेट रहेगा वो रेट से मिलेगा। हाँ, रेट वाढणार ना, आपको कॉइन मिलेगा ना, कॉइन से जो भी रेट रहेगा वो रेट से मिलेगा आपको। माझा क्वेश्चन हा होता की आपला फिक्स रेट 20,000 राहणार का, ते रेट वाढत पण जाणार? वाढत पण जाणार। हाँ ठीक ठीक सर, ओके धन्यवाद सर। सर रतनपाल सर आपको अनवर किया है, उसके बाद आली सर को लेंगे, फिर आप इसको मीटिंग को क्लोज करेंगे। यस सर, थैंक यू सर, मला बोलने का, थैंक यू सर मुझे बोलने का मौका दिया। आप हर बार जानकारी नई नई लाते हैं हमारे समझने के लिए है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं कि जो डायरेक्ट समझना नहीं चाहते हैं और ना ही मीटिंग अटेंड करना चाहते, तो उनके कुछ क्वेश्चन है मेरे पास में, तो वो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। तो एक सबसे पुराना क्वेश्चन है मेरे पास कि पीएलसी का जो फॉर्म है, जो 1,20,000 का जो भी लेके रखा हुआ है लोगों ने, तो क्या उसको हम स्वाइप करके या तो फिर उसको
कन्वर्ट करके अपन पीएलसी यू एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं करके? पीएलसी का जो फार्म है जो लोगों ने लेके रखा हुआ है 1,20,000 का उस समय जो हुआ था, तो उसको हम पीएलसी यू एक्स का फार्म कर सकते हैं? नहीं अभी अभी नहीं चाहिए सर, जब कंपनी आने वाले समय देगी तो पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं उसका। अच्छा मतलब आएगा तो बोल नहीं सकते, जो भी आगे देखेगा उस हिसाब से, अभी आज नहीं बोल सकते अपन। क्योंकि सर कुछ लोगों ने जैसे पहले मेरा भी पीएलसी में था तो मुझे भी ये बताया नहीं गया था कि मतलब उसमें कितने कॉइन्स लोड वगैरह करने पड़ते हैं, और कुछ लोगों ने हमारे भी जैसे मैंने तो किया है 700-750 कॉइन्स डाले उसमें, मुझे तो आ भी रहा है लेकिन बाकी लोगों को पता भी नहीं था, और जस्ट मेरे साथ में ही ज्वाइनिंग हो गई थी उनकी, तो अभी तो खाली है मतलब उसको फिलअप नहीं किया हुआ है, तो क्या कंपनी चांस दे सकती है उसको? देखें अभी आएगा तो हम छुपाने वाले थोड़ी है ना, जो भी आएगा देखेंगे, अभी फिलहाल जो अपना लाइव चल रहा है उसके ऊपर अगर कुछ बात करनी तो हम उसके ऊपर कर सकते हैं, पुराने के लिए जो सामने नहीं उसके लिए अपन आज नहीं बात कर सकते, देखेंगे अभी सर कंपनी आने वाले समय क्या करती। हाँ ठीक है सर, क्योंकि नहीं उन्होंने सर एक्चुअली एक्स में नहीं किया हुआ था, पीएलसी में डाला हुआ था, तो इसका मुझे ये लगा कि, और उन्होंने भी एक सजेशन किया कि 1,20,000 जो डाले। मैंने अभी आपको ये बताया शुरू में ही अपनी प्लैटिनम कॉइन और ब्लॉक ट्रेस के लिए यही साल में कुछ अपडेट लेके कंपनी आ रही है जो आपको बेनिफिट देने वाली। बिल्कुल सर, वो बात उधर ही खत्म हो जाती है, उसमें आपने को बेनिफिट लेना है, अभी उसको कन्वर्ट करने की बात की बात है, जो कंपनी लाएगी तो सबके लिए लाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। दूसरा मैं यहाँ पे एक क्लियर करना चाहता हूँ, आज के मीटिंग के हिसाब से जो भी बातें करके, तो कल से मीटिंग बनेगी सबके लिए, लेकिन सवाल डायमंड अबोव लोग ही पूछेंगे, अगर किसी को सवाल है तो डायमंड को ही उसको उसका जो भी डायमंड रहेगा वो डायमंड को आपको सवाल जो भी है आपको अपडेट करना है, और वो डायमंड लोगों को ही आपके सवाल करने का मौका मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होता है बाकी लोग कब ज्वाइन होते हैं उनको पता नहीं है, और वही बात बार बार करेंगे तो अपनी ये मीटिंग 2-4 घंटे ऐसे ही चलता रहेगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए उसके वजह से। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, शाम को लोग अभी अलग अलग मूड में रहते तो वो अपने को अच्छा नहीं है, बहस करने का या मीटिंग में कुछ अलग बातें करने का मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, अगर पॉइंट पे कोई बात करेगा तो उसको मैं 2 घंटे नहीं 10 घंटे भी बात करूंगा, कोई टेंशन नहीं मेरे को, लेकिन गलत माहौल मार्केट में जा रहा है उसकी वजह से कल से जो भी अगर किसी को सवाल है तो दिन में आपको क्या करना है, या अभी लाइव मीटिंग में भी आपको जो डायमंड है उसको आप चैटिंग कर सकते हैं या भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, और सवाल वो डायमंड वो लोग जो है वो पूछे, ठीक है? उसके बाद अभी अली सर आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आवाज आ रहा है ऊपर से सर? यस सर, यस सर। चलो चलो, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार शुभ रात्रि सबके लिए, बहुत अच्छा मीटिंग हो गया आज। कल जो तुमने डायमंड लोगों के लिए रखा था मीटिंग, लेकिन हमने बोला कि चलो डायमंड के साथ में काफी सारे लोग जो जुड़े ना, जो पर्ल है, सफायर है, रूबी, एमराल्ड, इनको भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छा होगा आपने जो मीटिंग लिया। सिर्फ इतनी बात है कि आज मैं देख रहा हूँ लगभग 650 लोग हो गए थे, हो सकता है मे बी पॉसिबल कल 700-800 हजार भी लोग होने वाले, कल हम लोग सवेरे से इसको प्रमोशन करेंगे, लेकिन जैसा मीटिंग खत्म होने के बाद जो सवाल जवाब होते ना सर, उसके लिए एक क्राइटेरिया जो अभी आपने रखा है कि जो भी है उन्होंने अपने आगे अपना रिकॉग्निशन लिखना चाहिए, और सर आप जब भी उसको बात कर रहे हो तो किस टीम से है, आपके अपलाइन का नाम क्या है? हर 10 लोगों को मौका दिया जाएगा, ये सब लोगों को मौका नहीं, हर दिन 10 लोगों को मौका दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं देख रहा हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ कि जिस बंदे ने 3 साल पहले आपसे प्लान, मेरे से प्लान देखा है, वो कल मेरे घर आके फिर मेरे से कल प्लान देखा है 3 साल के बाद, और अभी आपसे बात कर रहा है, ये मजाक नहीं है, ये टाइम पास नहीं है। और कुछ लोग मैं देख रहा हूँ खाना खा रहे, खाना खाते खाते भी आपसे बात कर रहे, कुछ लोग सो के भी बात कर रहे, और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ मेरा भी समय अभी बैठने का हो गया है, कुछ लोग दारू पी के भी बात कर रहे। तो भाई अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए उपाध्यक्ष सर रात दिन इकट्ठा होके हमारे रिक्वेस्ट के खातिर ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अभी लगभग 2 घंटे से उपाध्यक्ष सर बात कर रहे हैं, मेरे नॉलेज के हिसाब से 2.5 घंटा हो रहा है अभी, तो सभी लोगों ने उनको सुनना चाहिए, धीरे धीरे एक सवाल को रिपीट नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ जहां तक जो जो सवाल हो रहा है सर ने जो पूरा क्लियर होने के बाद भी लोग रिपीट रिपीट मीटिंग से बाहर जा रहे, फिर ऐड हो रहे, तो उनको उन्होंने अच्छे तरीके से मीटिंग सुनना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए सर कर रहे, सर जो प्रयास कर रहे हम लोगों के लिए कर रहे, हम लोग आगे बढ़े, हमको अच्छा बेनिफिट मिले, किसी का नुकसान न हो ले। अभी एक बंदे ने जो हैदराबाद की बात किया 15 लाख रुपए जो मेरा गया है पीएलसी में, अल्टीमा में या पीएलसी एक्स में, इससे कितना गलत मैसेज जा रहा है। उपाध्यक्ष सर उन हर एक बंदे को आप उसका अपलाइन अपलाइन डायमंड, अपलाइन ब्लू डायमंड, अपलाइन पर्पल डायमंड, किस आपके ऊपर ब्लैक डायमंड कौन है यहाँ तक आप पूछना चाहिए सर, ये बहुत जरूरी है आज के तारीख में, क्यों आप मेहनत खाओगे? देखो वो बोलते ना हमारे मराठी में कहा होते आंधल दलते कुतरा पीट खाते, मतलब आंधा रात भर मेहनत करता और कुत्ता के खाके जाता, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
तो हर चीज का क्लेरिफिकेशन होना चाहिए और शुरू से लेकर बॉटम तक जो बंदा मीटिंग में बैठता है अपने सामने अपने नाम के सामने अगर रिकॉग्निशन लिखता है तो उसी को मौका मिलेगा। क्यों? एक इंसान जब सवाल पूछता है एक सवाल होता है, लेकिन मीटिंग में जो हजार लोग बैठते ना हर एक को जवाब मिलता है ताकि वो मार्केट में जाके काम करे, अपने टीम को वो मोटिवेट करे। सर अकेले सब लोगों को नहीं मिल सकते, और जितने भी आपके टीम में नए नए लोग हैं उनको आप मीटिंग में भी बुला सकते हो। तो सर ज्यादा वक्त भी हो चुका।